नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम के अंतर्गत रायदुपुर तिराहे पर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने माल्यार्पण कर सफाई अभियान का शुभारम्भ किया। जिलाधिकारी ने कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आज उनको स्वच्छता की श्रद्धांजलि देने के लिए मलिन बस्ती एवं आसपास के मोहल्ले के गलियों में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। इसके माध्यम से लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। जिलाधिकारी ने सभी लोगों से अपील किया कि इस अभियान के साथ ही प्रतिदिन अपने आसपास की साफ सफाई करते रहें, जिससे आपके आसपास सफाई रहेगी तो आप भी स्वच्छ रहेंगे। इसी के साथ ही सांसद दिनेश लाल यादव एवं जिलाधिकारी द्वारा रायदुपुर मलिन बस्ती एवं आसपास के मोहल्ले की गलियों में अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। इस अभियान में जनपद स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों व आसपास के लोगों तथा विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा सहयोग कर अभियान को सफल बनाया गया। इसी कड़ी में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा रोडवेज परिसर में अपने हाथों से झाड़ू लेकर सफाई करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस मौके पर लोगों ने रोडवेज पर तमाम प्रकार की समस्याओं से अवगत कराया, जिसके निस्तारण कराए जाने का सांसद ने भरोसा दिलाया। इस अवसर पर माननीय सांसद एवं जिलाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर हुनर संस्थान के बच्चों द्वारा स्वच्छता ही सेवा के संबंध में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इसी के साथ ही अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा द्वारा कलेक्ट्रेट के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर की सफाई की गई। जिला सूचना अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ जिला सूचना कार्यालय की सफाई की गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह, एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी ईओ नगर पालिका आजमगढ़ सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एवं आम जनमानस उपस्थित रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। यहाँ साफ सफाई की बहुत आवश्यकता है और मुझे ये पहले भी महसूस हुआ था, इसीलिए मैंने चुना था कि रोडवेज से ही साफ सफाई का अभियान शुरू किया जाए। तो आज तो शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से बिना साफ सफाई के आप समृद्ध नहीं हो सकते हैं। अगर हमको आजमगढ़ को समृद्ध बनाना है तो हमें स्वच्छ आजमगढ़ बनाना ही पड़ेगा और उसके लिए मैंने पूरी टीम भी बना ली है और आज शुरुआत हुई है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ आज ही होगा। लगातार हम लोग आजमगढ़ में साफ सफाई का अभियान चलाएंगे और ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जब तक हम स्वच्छता को नहीं अपनाएंगे, स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम समृद्ध नहीं बन पाएंगे। अगर हमको समृद्ध बनना है, हमको विकसित भारत बनना है, तो जो प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है उसमें पूरे देश को हाथ बटाना होगा। अपने आसपास साफ सफाई रखनी होगी, अपने घर के आसपास, अपने दुकान के आसपास, अपने होटल के आसपास, जहाँ भी आप हैं वहाँ साफ सफाई रखेंगे तो अपने आप समृद्धि आएगी। तो कहीं ना कहीं इसी संदेश के लिए ये शुरुआत हुई है और पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और हम लोगों ने भी ये प्रण लिया है कि हम भी आजमगढ़ को पूरी तरह से स्वच्छ आजमगढ़ बनाएंगे। कल जयंती है, उसके अवसर पर आज उनको स्वच्छता की श्रद्धांजलि हम लोगों ने 1 घंटा ऐसे क्षेत्र में जो कि जहाँ निर्बल लोग रहते हैं वहाँ पर स्वच्छता का अभियान चलाकर साफ सफाई तक महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी और इसके माध्यम से लोगों में साफ सफाई पॉलिथीन इत्यादि ना फेंकें इसके संबंध में उन्हें जागरूक किया। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।